नमस्कार दोस्तों, टॉप गैलेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों मैं अनूप सिंह आज आप सबके लिए CCC और UPPCL एग्जाम के लिए कंप्यूटर के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों ये हमारा Part-2 है। पिछले पार्ट में मैंने आपको 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे जो CCC और UPPCL एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो UPPCL का एग्जाम 3 तारीख को होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों एग्जाम देने से पहले इन सब प्रश्नों को जरूर देखें। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वार्ता कौशल डॉट 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 में सहायता करता है। दोस्तों मैथक प्राप्ति, अवरोध समाप्त करने, विपणन को आगे बढ़ाने और उपरोक्त में सभी। दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है। वार्ता कौशल मैथक प्राप्ति में सहायता करता है, अवरोध समाप्त करने में, विपणन को आगे बढ़ाने में, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टू। डॉट 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 के लिए रिलेशनशिप मार्केटिंग उपयोगी है। दोस्तों ये डॉट 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 उसमें आपको फिलअप करना है के लिए रिलेशनशिप मार्केटिंग उपयोगी है। दोस्तों ऑप्शन ए संबंधियों के बीच व्यापार, सहयोगी संस्थाओं के बीच व्यापार, उत्पादों का क्रॉस सेलिंग और संबंधियों की सूची बनाना। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है। उत्पादों का क्रॉस सेलिंग के लिए रिलेशनशिप मार्केटिंग उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए विपणन जरूरी नहीं है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए कॉरपोरेट ऋण, ऑप्शन बी है निर्यात व्यापार, ऑप्शन सी है आयात कारोबार। दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है। इनमें से कोई नहीं जिसके लिए एक उत्पाद के लिए विपणन जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ए टी एम का पूरा रूप है दोस्तों ऑप्शन ए है एनी टाइम मार्केटिंग, ऑप्शन बी है एनी टाइम मनी, ऑप्शन सी है एनी टाइम मशीन और ऑप्शन डी है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन ए टी एम का पूरा रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अच्छा जनसंपर्क क्या दर्शाता है। बेहतर विपणन कौशल, बेहतर ब्रांड इमेज, बेहतर ग्राहक सेवा। दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है। उपयुक्त में सभी। अच्छा जनसंपर्क बेहतर विपणन कौशल दर्शाता है, बेहतर ब्रांड इमेज दर्शाता है और बेहतर ग्राहक सेवा दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, बाजार मॉनिटर करने का क्या तरीका है। दोस्तों ऑप्शन ए सेल्स पर्सन और क्रिया निष्पादन के लिए मॉनिटर करना, सेंसेक्स मॉनिटर करना, मीडिया आउटलेट्स मॉनिटर करना और लॉ मॉनिटर करना। दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है। बाजार मॉनिटर का एक तरीका सेल्स पर्सन के लिए कार्य निष्पादन को मॉनिटर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेवन, नेटवर्क विपणन कार्य को डॉट 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 बनाने में सहायता करता है। दोस्तों ऑप्शन ए है एक कठिन कार्य, ऑप्शन बी एक परिश्रमी कार्य, ऑप्शन सी है एक आसान कार्य और ऑप्शन डी है नेटवर्किंग का विपणन से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है। नेटवर्क विपणन कार्य को आसान कार्य में बनाने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एट, डॉट 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 एक विशिष्ट नाम है जो आप इंफॉर्मेशन की किसी फाइल को देते हैं। डॉट 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 एक विशिष्ट नाम है जो इंफॉर्मेशन की किसी फाइल को देते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए है फोल्डर, ऑप्शन बी है फाइल नेम, ऑप्शन सी है फाइल एक्सटेंशन, ऑप्शन डी है डिवाइस लेटर। दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है। फाइल नेम एक विशिष्ट नाम है जो आप इंफॉर्मेशन की किसी फाइल को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नाइन, आउटपुट देखने के लिए आप डॉट 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 का उपयोग करते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए है मॉनिटर, ऑप्शन बी है कीबोर्ड, ऑप्शन सी है माउस और ऑप्शन डी है स्कैनर। दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है। आउटपुट देखने के लिए हम मॉनिटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सीडी का आकार कैसा होता है। सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क का आकार कैसा होता है। ऑप्शन ए है वर्गाकार, ऑप्शन बी है आयताकार, ऑप्शन सी है गोल, ऑप्शन डी है षष्ठकोणीय। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है। सीडी का आकार गोलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11,
इस प्रकार की हार्डवेयर में ऐसा डिवाइस होता है जो डाटा को ऐसे रूप में ट्रांसलेट कर सकते हैं जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। इस प्रकार के हार्डवेयर में ऐसे डिवाइस होते हैं जो डाटा को ऐसे रूप में ट्रांसलेट कर सकते हैं जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। दोस्तों ऑप्शन ए है एप्लीकेशन, ऑप्शन बी है इनपुट, ऑप्शन सी है सिस्टम, ऑप्शन डी है कंट्रोल। दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी विशेष टास्क को करने के लिए एक अन्य की के साथ कौन सी की प्रयुक्त होती है। किसी विशेष टास्क को करने के लिए एक अन्य की के साथ कौन सी की प्रयुक्त होती है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है फंक्शन, ऑप्शन बी है एरो, ऑप्शन सी है स्पेस बार, ऑप्शन डी है कंट्रोल बार। दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है। कंट्रोल जो होता है वो किसी अन्य की के टास्क को करने के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट ड्राइंग और फोटो के इमेज को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट कर सकता है। दोस्तों ऑप्शन ए है डिजिटाइजर, ऑप्शन बी है मॉडम, ऑप्शन सी है स्कैनर, ऑप्शन डी है कीबोर्ड। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है। स्कैनर किसी भी टेक्स्ट ड्राइंग या फोटो इमेज को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, किस चीज़ को आसानी से अनुदेश समझी जाती है उसे डॉट 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 कहते हैं। किस चीज़ को आसानी से अनुदेश समझी जाती है उसे डॉट 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 कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए है इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन बी है वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी है यूजर फ्रेंडली और ऑप्शन डी है आइकन। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है। कोई चीज़ जो आसानी से अनुदेश समझी जाती है उसे यूजर फ्रेंडली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन डॉट 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 के रूप में स्टोर किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए है एनालॉग डाटा, ऑप्शन बी है डिजिटल डाटा, ऑप्शन सी है मॉडर्न डाटा या ये सभी। दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए डिजिटल डाटा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर डॉट 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 कमांड यूज़ करेंगे। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर डॉट 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 कमांड यूज़ करेंगे। दोस्तों ऑप्शन ए है न्यू, ऑप्शन बी है ओपन, ऑप्शन सी है डॉक्यूमेंट, ऑप्शन डी है टाइप। दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है। न्यू कमांड का यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ब्लॉगिंग पॉइंट जो टेक्स्ट आपकी पोजीशन दर्शाता है उसे डॉट 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 कहते हैं। ब्लॉगिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है उसे कर्सर कहते हैं। सो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, जब प्रोसेसर प्रोग्राम और डाटा को यूज़ कर रहा होता है तब उन्हें कहा जाता है। दोस्तों उसे मेन मेमोरी कहा जाता है। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटाओं को यूज़ कर रहा होता है तो उसे मेन मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है। कंट्रोल प्लस ए का उपयोग करते हैं जब पूरे डॉक्यूमेंट को हमें सेलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है उसका नाम बताइए। जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है उसका नाम बताइए। दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है। कंप्यूटर आपका मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, ईमेल भेजना डॉट 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 के समान होता है। दोस्तों ईमेल भेजना किसके समान होता है। ऑप्शन ए है पत्र लिखने के समान, चित्र बनाने के समान, फोन पर बात करने के समान या पैकेज भेजने के समान। दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है। ईमेल भेजना पत्र लिखने के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर डॉट 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 का प्रयोग किया जाता है। सेलेक्ट और हाईलाइट करने के लिए अक्सर डॉट 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 का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए है आइकन, ऑप्शन बी है कीबोर्ड, ऑप्शन सी है माउस,
ऑप्शन डी है फ्लॉपी डिस्क। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है, सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर माउस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, स्टोरेज यूनिट क्या प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों इसमें क्या पूछ रहा है, स्टोरेज यूनिट क्या प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन, जब मेमोरी में यूज ना हो रहे हो तब स्टोर करने के लिए प्लेस प्रोवाइड करता है स्टोरेज यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेस के सबसे करीब से कनेक्टेड है। किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेस के सबसे करीब से कनेक्टेड है। दोस्तों ऑप्शन ए है मेन मेमोरी, ऑप्शन बी है सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन सी है डिस्क मेमोरी, ऑप्शन डी है टैप मेमोरी। दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है, मेन मेमोरी जो प्रोसेस के सबसे करीब से कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने देती है। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है, मॉडम जो डिवाइस होता है वो आपके कंप्यूटर को टेलीफोन से बात करने और इंटरनेट से एक्सेस करने देती है, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, आपको कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, इसको रोम बोलते हैं दोस्तों, यानी ऑप्शन बी सही है, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, विंडो डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट डॉट 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 द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। विंडो डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट डॉट 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 द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए है सिंबल्स, ऑप्शन बी है लेबल्स, ऑप्शन सी है ग्राफ, ऑप्शन डी है आइकन। दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है, इसका ऑप्शन डी सही यानी आइकन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्कैनर डॉट 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 स्कैन करता है, पिक्चर को स्कैन करता है, टेक्स्ट को स्कैन करता है, डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है, या ये सभी स्कैन करता है। दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है, स्कैनर पिक्चर टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट सबको स्कैन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, MICR यानी मिकर सी का पूरा रूप बताइए। मिकर क्या होता है दोस्तों, मिकर यानी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, इसका जो सी होता है वो करेक्टर होता है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, स्टार्ट बटन पे हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। धन्यवाद। जय हिंद।